नमस्कार, स्वागत है आपका अनूपगढ़ ज्योति न्यूज में। मैं आपके साथ राजेश सूडिया। नशा मुक्ति संघर्ष समिति के तत्वाधान में पुलिस थाना गसिंहपुर के एएसआई भैराराम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गसिंहपुर क्षेत्र में नशा बड़ी तेजी के साथ अपने पांव पसार रहा है। इस भयंकर नशे की बीमारी को समाप्त करने के लिए धानक बस्ती में कुछ माह पहले ही नशा मुक्ति संघर्ष समिति का गठन किया गया था। नशा मुक्ति संघर्ष समिति ने नशे को मिटाना है, गसिंहपुर को बचाना है, इस तहरीज पर नशे के खिलाफ जंग छेड़ दी है। आप तीन पीढ़ियां बर्बाद कर रही हैं। मेरा उन सभी नशे के व्यापारियों से और नशे को शह देने वाले लोगों से निवेदन है कि चंद पैसों के लालच में, चंद सिक्कों के लालच में तीन पीढ़ियों को बर्बाद मत कीजिए। अगर आप तीन पीढ़ियां बर्बाद करेंगे तो आपकी एक पीढ़ी जरूर बर्बाद होगी। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा और हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने गसिंहपुर के इलाके को नशा मुक्त बना के ही। गसिंहपुर वासियों का नशे के प्रति रोष देखा गया। काफी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी मौजूद रही। अनेकों वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि इस इलाके में नशे को मिटाना है, गसिंहपुर क्षेत्र को नशे के चंगुल से छुड़ाना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नशा मुक्ति संघर्ष समिति के तत्वाधान में धानक बस्ती के शिव मंदिर में रोष मार्च रैली नारेबाजी करते हुए शुरू हुई, जो गसिंहपुर के धान मंडी, लाल चौक, गोल बाजार, बस स्टैंड, श्री करणपुर मार्ग से होते हुए पुलिस थाना गसिंहपुर पहुंची, जहां नगर पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र प्रकाश शर्मा, राजकुमार गिरधर, राजू खनगवाल, सुरजीत सिंह हुंदल, कश्मीरी लाल किराड़, उप प्रधान राजेश खनगवाल, सचिव जगदीश यादव आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर नशे पर अंकुश नहीं लगाया गया तो जल्द ही बड़ी रणनीति बनाकर आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे।